हमारे साथ चौधरी सुरेंद्र हैं, दिल्ली में पिछले कई दशकों से बसपा को स्थापित करने में जी जान इन्होंने लगाई, सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब इनको मिला, लेकिन कुछ नाराजगी के चलते कल 1 तारीख को इन्होंने बसपा को छोड़कर बीजेपी के दामन थाम लिया है। तो चौधरी साहब, क्या थे कारण, क्या थी वजह कि आप लगभग 40 साल से बसपा के साथ काम कर रहे हैं, एक बसपा को छोड़ने का क्या कारण आपको लगा और बीएसपी को छोड़कर आप बीजेपी के समर्थन में आए, ऐसा क्या कारण रहा चौधरी साहब? सब प्रथम तो बताना चाहता हूँ, मैं भाजपा पार्टी के तमाम पदों में मैंने काम किया है, वार्ड अध्यक्ष रहा, विधानसभा का जिला अध्यक्ष रहा दिल्ली प्रदेश में, 5 बार दिल्ली प्रदेश का महासचिव रहा दिल्ली प्रदेश का, उपाध्यक्ष रहा दिल्ली प्रदेश का, अध्यक्ष रहा हूँ और दिल्ली प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। तमाम पदों पर लंबे समय से काम किया है। मैं भी चाहता था कि इसकी समाज की बेटी, समाज की बहन गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन समय बदला है, चेंज हुआ है, बहन जी की नीतियाँ में कमजोरी आई है, बहन जी की नीतियाँ गड़बड़ा गई हैं, उस नीतियों के कारण आज देश की जनता, इस प्रदेश की जनता मतदाता माननीय बहन जी को अपना वोट देने के लिए इनकार कर दिया है। जो राष्ट्रीय चुनाव होता है तो राष्ट्रीय नेता के ऊपर वो चुनाव लड़ा जाता है, वो जो राष्ट्रीय नेता के ऊपर चुनाव रहता है उसकी छवि, उसके चरित्र को देख कर बढ़ा जाता है, वो राष्ट्रीय नेता उसके समर्थक जो पार्टी के समर्थक होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं वो दल बल कर अपने नेता को किसी देश का नंबर वन नेता बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज समाज ने भी, उन कार्यकर्ताओं ने भी और समर्थकों ने निश्चित तौर से बहन जी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया है। जो रिजल्ट अभी आया है दिल्ली में, आप देख रहे हैं कि करीब 1 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। जब 1 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है तो निश्चित तौर से आप अच्छी तरह जानते हैं क्या हमारी दशा होगी, 1.13% हमें वोट पड़ा। आपसे कहना चाहता हूं कि ठगा सा महसूस समझकर अपने को निश्चित तौर से देखा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं। हम भी चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन देश में लागू हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिद्धांत वो चाहत के साथ हमेशा अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए, उनके उनकी विचारधारा बढ़ाने के लिए 20 साल लगातार बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है, लेकिन नीतियों की वजह से मैंने 1/7/2019 को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उस दामन थाम कर भी ये विश्वास में अपने समाज के लोगों को, अपने बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी समय आएगा तो निश्चित रूप से समाज के लिए, कल्याण विकास के लिए हमेशा उनके वाव उठाने के लिए उनके बीच में रहूँगा। और जो समाज का काम किया है, आज भी किया है, कल भी किया है, सामाजिक भी किया है, राजनीति भी किया, धार्मिक किया, तीनों पहलुओं पर लगातार 20-21 साल से लगातार समाज के लिए काम कर रहा था। आज मेरी चाहत बनी है कि बिना ताकत से किसी का कल्याण विकास नहीं हो सकता, उसी को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ, उनकी सदस्यता कल मैंने ग्रहण करी है और आज देश में मोदी की आवाज़ है। इस देश में आज उन्होंने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको लेकर मानवता हित जनकल्याण के लिए माननीय मोदी जी देश में काम कर रहे हैं और इस देश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्र से सांसद रहे त्रिपुर से, सांसद के नेतृत्व में काम करने का मौका मुझे मिलेगा तो वहाँ भी मैं अपने समाज के, अपने लोगों के लिए निश्चित रूप से अपने वहाँ उठाने का काम करूँगा।